प्यारे नबी की प्यारी हसीरत शऊर आ गई फिक्रे दी इसमें पिन्हा इसे पढ़ते रहने से बढ़ता है ईमान ये मोमिन के दिल की हलावत है सीरत सीरत ही सीरत सीरत ही सीरत लिखता सीरत पे मुस्तफा का कलम है महज फजल बारी है उसका करम है सआदत है रहमत व बरकत है सीरत सीरत ही सीरत सीरत ही सीरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाला दीन इस्लाम है, इस पर जदीद तरीन रिसर्च भी सामने आ चुकी हैं और दुनिया भर में फैले हुए मज़हब इस्लाम से वाबस्ता 1 अरब से ज़ायद मुसलमान हमेशा यही ख्वाहिश रखते चले आए हैं कि कम अज़ कम दीन दुनिया के हर खित्ते तक बेहतर अंदाज में बेहतर तरीके से पहुँच जाए। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा मसाइल उस नस्ल के लिए हैं जो कि अपनी उम्र गुजार चुकी और उनको अपने अपने दौर में वो मौक़े मुयस्सर ना आ सके जिससे वो बेहतर तरीके से दीन को सीख सकते और दुनिया के जो दीगर मामलात हैं वो दीनी हिसाब से बेहतर करते। तो ये एम और मकसद लेकर एक इदारा मारज़ वजूद में आया और इस वक्त मैं उस इदारे में मौजूद हूँ। सीरत इंटरनेशनल इस्लामिक इंस्टीट्यूट के नाम से फैसलाबाद में कायम करदा ये इदारा इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसके मुतनव्वे और जामे कोर्स हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों के लिए बेहतरीन ज़ादे राह बन सकते हैं, दुनिया और आखरत में सुरखरुई का सबब बन सकते हैं। मैं आज इनके सिलेबस वग़ैरह देख रहा था, इनकी चीज़ें नोट कर रहा था। इन्होंने बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को टारगेट किया है और उसके हिसाब से इन्होंने कोर्स डिज़ाइन किए हैं। ये मेरे सामने एक किताब बच्चों की नमाज है जिसमें उन्होंने नमाज का तरीक़ाकार ही नहीं बल्कि नमाज प्रैक्टिकली तौर पर तस्वीर की मदद से समझाई है, जिसमें कोई गैर शरी मवाद नहीं है, चेहरों को छुपा दिया गया है और बहुत ही बेहतर अंदाज में बच्चों को समझाया गया है। इसी तरह एक इनका कोर्स चल रहा है जो सीरतुन्नबी के हवाले से है, ये आप देख सकते हैं सीरत कोर्स के नाम से। तो इसके टोटल 30 असबाक हैं और हर सबक एक मखसूस कैटेगरी में शामिल किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 40 साल ज़िंदगी नबूवत से पहले की है, जो मक्का मुकर्रमा की 13 साल ज़िंदगी और मदीना की 10 साल, तो सारी ज़िंदगी का इहाता किया गया है इसमें। मुख्तसरन इसमें मुख्तलिफ मशक़ें भी दी गई हैं ताकि सबक पढ़ने के बाद जो ये कोर्स कर रहा हो वो अपना ख़ुद सेल्फ़ एग्ज़ाम भी ले सके कि मैंने कितना कुछ पढ़ा है और मुझे कितना कुछ आता है। तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के हवाले से एक ख़त्म नबूवत कोर्स है। जैसा कि हम मुसलमानों का अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन है, उनके बाद कोई नबी नहीं है, तो ये हमारा बुनियादी अकीदा है। तो इस अकीदा की रूह से इन्होंने ख़त्म नबूवत कोर्स डिज़ाइन किया है माशाल्लाह बहुत मेहनत से। तो इन तमाम कामों का और इन तमाम चीज़ों का तारुफ़ लेने के लिए आपको इस एकेडमी का ज़रूर विज़िट करना चाहिए। एक इनका कोर्स है पैगाम ईमान कोर्स के नाम से, ये भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है जिसमें आसान तरीन तफसीर और बहुत ही सलीस उर्दू के साथ असबाक़ की तकसीम के साथ ये शाये की गई है। ये किताबें भी यहाँ पर मुयस्सर हैं और इसके अलावा इनके मुख्तलिफ शोबे भी इसी सिस्टम के साथ चल रहे हैं और इन तमाम कामों का बेहतरीन जो सिस्टम है इसका तारुफ करवाने के लिए बहुत वक्त चाहिए, उसके लिए आपको एकेडमी का विज़िट करना होगा। और इन तमाम चीज़ों का सेहरा जाता है मुफ्ती मुस्तफ़ा अज़ीज़ साहब के सर की, उन्होंने मेहनत की और मेहनत करके एक जदीद तरीन अंदाज़ में दीन की खिदमत की और कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह।
और अपनी तश्कील के ज़रिए लोगों को मैदान में लाते रहेंगे कि वो इसको बेहतर से बेहतर अंदाज़ में लोगों तक पहुंचा सकें। इनकी हर किताब माशाल्लाह लाजवाब है और हर शुमारा जो इन्होंने छापा है, शाये किया है, ये मसनून दुआओं की किताब है जो इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ है। और माशाल्लाह से आईटी का काम भी कर रहे हैं, यूट्यूब पर इनका चैनल भी है और सोशल मीडिया के मैदान में भी माशाल्लाह एक्टिव हैं, वहाँ पर भी इनके काफ़ी सारे बयानात मौजूद हैं और इनका पेज भी है, आप उसको भी लाइक करें, यहाँ लिंक में आ रहा होगा। और उसके साथ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इन्होंने इस सेटअप को बड़ा बनाने का इरादा भी किया है कि ताकि तमाम शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो मसरूफ़ तरीन लोग हैं, उन लोगों को दीन के करीब करके दीन की बुनियादी तालीमात से आगाह किया जाए और कोई भी खाना खाली न रहे, हर शोबे ज़िंदगी इससे इस्तिफादा हासिल कर ले। यही इनका मोटिव है, यही इनका मकसद है। अल्लाह ताला इनको, इनकी टीम को और इनके जो मुआमिनीन हैं, इन सब को कामयाब व कामरान फरमाए, दीन दुनिया की तमाम भलाइयाँ नसीब फरमाए। आप जहाँ कहीं से भी इसको सुन रहे हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप ज़रूर बेज़रूर इस इदारे का विज़िट करें और इस इदारे के साथ तआवुन करें और इनकी हौसला अफज़ाई करें ताकि हमारे लिए दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब में लिख दी जाएं। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नबी की प्यारी है सीरत, सीरत ही सीरत, सीरत ही सीरत, प्यारे नबी की प्यारी है सीरत, प्यारे नबी की प्यारी है सीरत, प्यारे नबी की प्यारी है सीरत।